सर सामने सर सभी अभी पहुंचे हैं। इस वक्त आप ये तस्वीर देख रहे हैं रांची एयरपोर्ट की, जहां राज्यपाल रमेश बोस बैस जो है वो पहुंच चुके हैं। आप ये तस्वीर देख रहे हैं, झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस दिल्ली में पहुंच चुके हैं। बैग बैग और लगाइए ना जी, सर लगा दिया, सर लगाने के बाद क्या मसला है उस पर एक प्रतिक्रिया दे दीजिए। गेट खींचा था तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं राज्यपाल रमेश की, जो दिल्ली से रांची एयरपोर्ट लौट चुके हैं। क्या बोले, राजभवन ये तस्वीर आप देख रहे हैं। फिलहाल राज्यपाल ने कुछ बताने से इनकार किया और कहा कि हम राजभवन पहुंचकर जो रिपोर्ट है उसको देखने के बाद ही कुछ प्रतिक्रिया दे सकते हैं। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं राज्यपाल का काफिला जो है राजभवन की ओर जाते हुए। कुछ खास चीजें उजागर नहीं की, आप देखें राजपाल निकल गए सर, बस वो चलो चलो कुछ नहीं बोले, कुछ बोले नहीं। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं राज्यपाल रमेश बैस की, जो रांची एयरपोर्ट पहुंचे थे, अब वो यहां से सीधे एयरपोर्ट से निकलते हुए राजभवन पहुंचेंगे। और राज्यपाल ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि फिलहाल अभी उनको कोई जानकारी नहीं है, जब वो राजभवन पहुंचेंगे और क्या रिपोर्ट आया है वो देखकर जो है फिर जानकारी दे सकते हैं। फिलहाल सबकी निगाहें राज्यपाल के फैसले पर, यानी कि राज्यपाल के उस रिपोर्ट का जो चुनाव आयोग से आया है, उसके बाद क्या कुछ सामने आता है इसके लिए हम सबों को तो इंतज़ार है। लेकिन फिलहाल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास में जो है सरगर्मी काफ़ी तेज़ हो चुकी है। उनके जो विधायक हैं, जो मंत्री हैं, तमाम नेताओं के साथ जो है सीएम हाउस में बैठक लगातार जारी है। तो फिलहाल जिस तरह से ये सूचना मिल रही है कि ECI की तरफ से जो है वो रिपोर्ट आ चुकी है राजभवन, और राज्यपाल ने अभी फिलहाल कुछ बोलने से इनकार किया, लेकिन जब राजभवन पहुंचेंगे राज्यपाल तो फिर उस रिपोर्ट से अवगत होंगे और फिर वो जानकारी देंगे कि आखिर क्या कुछ उस रिपोर्ट में है। लेकिन जो सूत्रों के हवाले से जानकारी है उसमें ये कहा जा रहा है कि इनकी सदस्यता जो है वो रद्द कर दी गई, यानी कि मुख्यमंत्री की सदस्यता रद्द हो चुकी है और 3 वर्ष के लिए प्रतिबंध भी लगाया जा रहा है। लेकिन इसकी पुष्टि अभी नहीं हो रही है, अब देखना होगा कि राज्यपाल के द्वारा क्या कुछ रिपोर्ट पढ़कर बताया जाता है। तो सबकी निगाहें, पक्ष हो या विपक्ष हो, सबकी निगाहें राज्यपाल के उस बयान का जो रिपोर्ट पढ़ने के बाद आएगा। लेकिन फिलहाल हम कह सकते हैं कि सूबे की सियासत जो है काफ़ी तेज़ हो चुकी है, क्योंकि सबका जो है निगाहें वो उसी रिपोर्ट पर है जो ECI की तरफ से राजभवन भेजा गया है। तो फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि ट्विटर वार भी झारखंड में शुरू है, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो सभी एक दूसरे पर निशाने साध रहे हैं। BJP को यह कह रहे हैं कि ECI जो है वो BJP के लिए काम करती है, चुनाव आयोग BJP का काम करती है, इसलिए BJP के नेताओं को पहले सब कुछ पता होता है। मीडिया पर भी निशाना साधा जा रहा है, मीडिया को भी कहा जा रहा है कि वो जो है पहले ही ECI की रिपोर्ट को जान जाते हैं। अपने सहयोगी विकास के साथ मदन सिंह, न्यूज़ 22 को रांची।